फिर अपने वो चुका जी सरपराज का खाना पीता सरपराज के खाना सरपराज भी
काम हमने
भजन कौन कमल को सजाया
सिर्फ तबलीग
इस्लाम है। इस्लाम और इस्लामी तालीमात को अवाम नास तक पहुंचाना उनका मकसद अव्वल है, और ये भी एजाज उन्हें हासिल है कि उन्होंने जितनी भी किताबें तस्नीफ की हैं वो सब की सब खालिस रिजाए इलाही की खातिर छाया की हैं और फिर आमद मुस्लिमीन में तकसीम की गई है। कोई किताब भी तजारती मकसद के लिए या कारोबार मकसद के लिए तहरीर नहीं है। उनकी मौजूदा तस्नीफ इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मकाम अपने मौजू के हवाले से भी मुनफरिद है और अपने मवाल के हवाले से भी मुनफरिद है। इस्लाम की इम्तियाजी पहचान और इम्तियाजी शनाख्त में जो मस्जिद का मकाम है वो पूरी दुनिया में मुसलमान है। हर एक मजहब ने अपने अपने इबादतखाने तामीर की। जब इस्लाम का वजूद इस दुनिया में आया और उसका ज़ुहूर हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इबादत के लिए मसाजिद का क्याम बहुत जरूरी करार दिया। आप देखते हैं कि इस्लाम की तबलीग मसाजिद के जरिए से हुई और मसाजिद के जरिए से ही इस्लाम की हुकूमत का कारोबार भी चला। यूं समझते हैं कि इस्लाम दीन और दुनिया का मजमूए का नाम है। जिस तरह इबादत ने कहा जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इस हवाले से मस्जिद सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इबादत का मकाम ही नहीं बल्कि हमारा पार्लियामेंट हाउस भी है, हमारी असेंबली भी है। मदीना शरीफ की मौलिकत जो कायम हुई उसका मरकज, उसका ईमान, उसका कौमी असेंबली का ईमान जो था वो मस्जिद नबवी थी। वहीं से पूरी दुनिया में हुकूमत हुई, पूरी दुनिया में मफूद भेजे गए, वहीं से लश्कर भेजे गए और वहीं बैठकर इस्लाम की तबलीग और शाह का फरीजा सर अंजाम दिया गया। और ये बताया गया कि इस्लाम का मकसद ना किशोर कुशाई है, ना दुनिया के मुल्कों को फतह करना है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तबलीग और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। हमारी जेर नजर तशरीफ इस हवाले से बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें शुरू में पूरी दुनिया में मौजूद अजीम शान और खुश मसाजिद की रंगीन तस्वीरें शाया की गई हैं। हरमे नबवी से लेकर हरमे काबा से लेकर हरमे नबवी तक और फिर उसके बाद दुनिया के तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम मुल्कों में जितनी भी मसाजिद कायम है उन सब की रंगीन तस्वीरें मियाँ साहब ने इस अंदाज से इतनी मेहनत से इकट्ठी की हैं कि यूँ लगता है कि जैसे हम खुद उन तमाम ममालिक की सैर कर रहे हैं और उन ममालिक में जाकर उन मसाजिद की ज्यारत कर रहे हैं। इस किताब में शामिल मंदरजात जहाँ किताब मस्जिद की अहमियत को बयान करते हैं, कुरान और हदीस के हवाले से मस्जिद की अहमियत बयान करते हैं, वहाँ उसके साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बहुत सारे मसाजिद का अहवाल भी बयान करते हैं। ये किताब जो हमें हमारे मुसलमान होने का तस्वीर देती है, तहरीर पाकिस्तान का तस्वीर देती है। मियाँ साहब ने नजरिए पाकिस्तान और तहरीर पाकिस्तान का भी चैप्टर शामिल किया और हमें बताया कि हमने पाकिस्तान किस तरह से हासिल किया। पढ़ने वाले के लिए, कारी के लिए, तालिबे के लिए, आलिम दीन के लिए, इमाम मस्जिद के लिए, खतीब के लिए इस किताब में बहुत बात है, बहुत मैटर है। ये पूरा थीसिस है, मैं समझ लगे और इसका अक्सर हिस्सा मस्जिद नबवी में बैठकर अपने अभियान शरीफ के क्याम के दौरान कुछ खाना खबा में कुछ मस्जिद नबवी में बैठकर लिखा। इस किताब की मकबूलियत और इसकी कबूलियत मुसलमान अल्लाह ताला को इसका अजर इस दुनिया में भी देगा और आखिर में भी देगा। मैं इस किताब के इशार पर इन्हें बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आएगा इनके कलम से ऐसे यहाँ पर आते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बमा ले किताब के हवाले से हमारे तालीम जनाब प्रोफेसर सैयद अशार अहमद रशीद साहब नाम से मुख्तलिस को पेश करेंगे। जनाब सैयद अशार अहमद रशीद जनाब सैयद शाह हुसैन साहब मुअज्जज़ सामईन व हाज़रीन अस्सलाम।
समझें, मुकद्दर उन्हें है अल मस्जिद ऑफ बिकसर दीन मौजा सबूत, यानी मस्जिद बकसर दीन है और इससे मुराद वो मुहाम है जिसमें अपने मालूम हकीकी के सामने जमीन न्याज रखी जाए यानी सजदा करने की जगह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह जिन में इरशाद फरमाता है वह अनमल मसाजिद अल्लाह मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसे एक बार बयां है कि मसाजिद के अंदर सिर्फ वही आमाल सर अंजाम देने चाहिए जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। कुरान मजीद में एक और जगह पर इरशाद है फला तक्तु मा अल्लाह ही अहद, मस्जिद में सिवाय अल्लाह के किसी की बंदगी और प्रतिष्ठ ना करनी चाहिए। इस आयत मुकद्दसा की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु यूं लिखते हैं तर्जुमा उसका पेश करूंगा, मस्जिदों को सिर्फ अल्लाह के जिक्र के लिए मखसूस कर दो, अल्लाह के सिवा गैरों के जिक्र के लिए वहां कोई हिस्सा ना हो। हमें मालूम है इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई मस्जिद कुबा है कि जब आप मक्का मौसमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और शहर में दाखिल होने से पहले बनी अम्र बिन औफ के मोहल्ला में क़याम फरमाया और मस्जिद मस्तूर की तामीर फरमाई। तकरीबन दो हफ्ते यहाँ क़याम फरमाने के बाद आप मदीना मुनव्वरा शहर में तशरीफ लाए और जिस जगह आपकी सवारी ठहरी आपने वहाँ भी मस्जिद की तामीर फरमाई जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं। एक मुख्तसर से मुद्दत में दो मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद की तामीर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार फरमाना इस बात का सबूत है कि मुसलमान की जिंदगी में मस्जिद मकाम खास की हैसियत रखती है। इस पर वो इसमें मनहूस तकवा और परहेजगारी को अवलियत हासिल है। सूरह तौबा में कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है जिसका तर्जुमा पेश करूंगा सूरह तौबा की आयत नंबर 107 और 108 का, और जिन मुनाफों ने इस गर्ज से मस्जिद बनाकर खड़ी की कि खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करें, मुसलमानों में फूट डालें और उन लोगों को गुनाह दें जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लगाव कर चुके हैं और कसमें खाते हैं कि इस मस्जिद से हमारा मकसद सिर्फ भलाई है, सो अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं अगर वे कसमें खाकर कहते हैं कि इससे हमारा मकसद सिवाय नेकी और कुछ नहीं। इस आयत मुबारक में भी मस्जिद के सही असास की निशानदेही होती है कि मस्जिद दरअसल वो मुकाम है जहाँ पर जाने वाला साफ सुथरा रहना चाहता है और अल्लाह ताला का कुर्ब पाने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि अल्लाह बिल्कुल मुतकबिलीन और अल्लाह पाक लोगों को ही दोस्त रखता है। इस मुकाम पर फायज होने के लिए लाजिम है कि मस्जिद का तकद्दस और उसकी अहमियत और उसका मुकाम अपनी जिंदगी में रासख किया जाए और फिर उसकी समझ बूझ लेकर इसका बदला के आम किया जाए। खुशकिस्मत है वो लोग जो इस कार्य सही को सर अंजाम देते हैं और इन्हीं में से जिन्होंने उन्हीं में से एक जनाब अलहाज मियां अब्दुल करीम साहब हैं आज के इस महफिल के साथ सदर, जिन्होंने दीन इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मुकाम के मौजू पर एक ड्रामाया तस्वीर को मुरतब और पेश करने का शर्फ पाया है। आज सदर अदालत सऊदी इस्लाम ट्रस्ट 490 की मदीना चौक खानाबाद फैसलाबाद के रायची और इसी के प्लेटफॉर्म से तस्कीफ मजकूर मनसा शुरू पर आई है और नौयत में सिलसिला तबलीग नंबर 205 के तहत अशायर अव्वल गमदाब सफर मुजफ्फर 1433 हिजरी जनवरी 2012 के कसास की हामिल है। इस किताब को हम उमर फारूक शॉपिंग सेंटर के काही बाजार फैसलाबाद जामे मस्जिद अलहाज मोहम्मद रमजान वाली के मुकाबले न्याज गली नंबर 2 रफीदाबाद जंग रोड फैसलाबाद से भी हासिल कर सकते हैं। अपने टॉपिक के लिहाज से 201 सफहात पर मौकूफ करने के बाद मुसनिफ ने रूज औकाफ कुरान मजीद बराए इंसान अपने वालदैन करीम और चाचा और
22, 23 और 24 और इसके अलावा एक मुख्तसर सा टॉपिक मोबाइल फोन की घंटी और मसाले और फिर वालिदैन के साथ एहसास करने का एहसान करने का हुक्म कुरान मजीद की आयत के हवाले से बयान करके सिलसिला तबलीग को गुना गुना कर के अता फरमाई। इस सिलसिला में मुसनफ के दीगर कुतुब के सलासल तबलीग और उनके एडिशन अव्वल के कवाईद की मालूमात भी मिलती हैं जिनकी तादाद 10 है। इनके अलावा दीगर कुतुब और मुकालजात और मजामीन वगैरह का भी इशारा हमें इस किताब से मिलता है। जहाँ तक किताब मजकूर यानी कि इस्लाम में दीन इस्लाम में मस्जिद की अहमियत और मुकाम इस किताब का ताल्लुक है, इसके तारीफ का ताल्लुक है। इस जुमले में मैं ये कहूँगा कि जनाब अल्लाह मियां अब्दुल करीम ने इस किताब में इस बात को तरजीह देने की सही की है कि मस्जिद अल्लाह ताला की जानिब से हमारे लिए हदिया है जिनसे सही हिकमत अमली से दावत इलाहिया का हम आगे काम किया जा सकता है। उन्होंने इस सिलसिले में तुर्की के वज़ीर आज़म ने आपका ये अरकान का मशहूर तारीखी जुमला भी कोट किया है कि जो उन्होंने मुकाम पर कहा था कि मस्जिद के मीनार हमारी तलवारें और इसके गुंबद हमारी ढालें हैं। इस जुमला की वजाहत करते हुए लेते ही अर्दगान वगैरह तुर्की के जुमला की वजाहत करते हुए जनाब मियां अब्दुल करीम साहब कहते हैं कि उनका कहने का मकसद ये था कि हम चाहें तो मसाजिद के मेहराब और गुंबद से तलबा इस्लाम की आलमी तहरीक उठा सकते हैं और लाजमजमू की किताब का यही एक जुमला उनकी इस मस्जिद के मुकाम के मुताबिक किताब का लुबे लगा दी है। फादर मुसल्लम ने मस्जिद के मीनार की तामीर के मकसद उसकी तामीर और तर्ज तामीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी रोशनी डाली है। सामईन व हाज़रीन मोहतरम, लफ्ज़ मस्जिद दीन इस्लाम के लिए इबादत मुकाम इबादत के लिए मखसूस है। दीन इस्लाम में जुमला मालूमात का मुआक़िफ़ कुरान मजीद है जिसकी तशरीह और तौज़ीह जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार रिसालत सर अंजाम फरमाते हुए नशिस्त व बर्दाश्त के मामलात में मुस्तमद है। मुसन्निफ़ ने खासा और खासा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ के मुताबिक कुरान मजीद मुख्तलिफ़ आयात मुबारक मसलन आयत मुबारक 129 सूरह जो मौजूदा इसराइल
खिदमतों के और पर परवाज है अब्दुल
कि तारीफ है लतीफ एक सुहाने दौर का आगाज है अब्दुल करीम फूल खुशबूदार शेरों के लिए हाजिर हूं मैं फूल खुशबूदार शेरों के लिए हाजिर हूं मैं एक फकीरा मेरा अंदाज है अब्दुल करीम आज मैं हमारे बुजुर्ग मियां अब्दुल करीम साहब की तसल्ली का
सिलसिला जारी सही रहता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि दीन मुबीन का जो इंतहाई बुनियादी यूनिट है, जो एक इंतहाई अहम मरकज़ है, उसकी तरफ उन्होंने लाई है। और फिर इसमें उन्होंने तहरीक पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। बिलाशुबा तहरीक पाकिस्तान और मस्जिद में लाजम मरजूम है, क्योंकि मस्जिद ने तहरीक पाकिस्तान का अपना रोल अदा किया, और ना सिर्फ तहरीक पाकिस्तान बल्कि बाद में भी हर तहरीक में मस्जिद जो है एक बड़ा मरकज के तौर पर सामने आई। ये तहरीक हत्म नबूवत हो, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, या तहरीक निज़ाम दफ़न नमक से रिसालत हो, मस्जिद ने हमेशा अपना रोल अदा किया है। और वाकई जैसा कि जिक्र हो रहा था कि गैर आका ने वहाँ पे अगर हुकूमत कायम की, निज़ाम सल्तनत कायम किया, तो वो भी मस्जिद नबी में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आज मस्जिद की अहमियत को नज़रअंदाज किए बैठे हैं। और फिर जैसा कि इससे कबल मुख्तर मस्जिद की स्कीम बनाई गई, और फिर आजकल चीफ जस्टिस गाजोली साहब ने इसका जिक्र किया है कि पोलिंग स्टेशनों की कमी की वजह से या लोगों की रीच जो है पहुँच को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी बनाए जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे लाइब्रेरी का काम उठाई जरूरी है, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर जो है वो बनाए जा सकते हैं, और उन्हें कम्युनिटी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि हमारे इस्लाम ने जो समाज की हमें सफर दिया है उसमें मस्जिद जो है एक इंतहाई बुनियादी अहमियत की हामिल है। और उसमें ये रखा है कि पाँच उत्तर नमाजी है, अगर वो एक नमाजी भी नहीं आता तो दोस्तों दूसरे दोस्तों को पता चल जाता है, या फिर इसकी खबर भी निकल दी जाए। फिर नमाज जुमा के लिए इससे भी बड़ा इज्तिमा है। तो हमारा दीन जो है वो इज्तिमाइयत का दर्ज देता है। इस तस्नीफ में मुख्तलिफ मालिक की खूबसूरत जो तस्वीर हैं, मुख्तलिफ मसाजिद का जो है उसका जिक्र किया गया है। और फिर यहाँ पे जो मस्जिद अक्सा है, जो तकरीबन बीसवीं सदी से यहूदी हैं इस पे काबज हैं, और ना सिर्फ मस्जिद अक्सा का मामला है बल्कि आज आप देखते हैं कि बोस्निया है, चेचनिया है, फिलिस्तीन है, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, इराक है, जहाँ भी खून गिर रहा है, तो वो उनका कसूर सिर्फ ये है जो मोहम्मद अली का कलमा पढ़ने वाले हैं। बादल तो इकट्ठा हो गया, लेकिन आज हमें कलमा को मुसलमानों को भी इकट्ठे होना होगा। और जब तक हमारे जो अकाबरीन हैं, जो मुसलमान हुक्मरान हैं, जब तक वो अमेरिका को सुपर पावर मानते रहेंगे, वो खुदा को सुपर पावर नहीं मानेंगे, फिर यही मुश्किल होगा। हमें ये तस्दीर अहद करना होगा कि हम मसाजिद को अपने मरकज बनाएंगे। और फिर मैं यहाँ एक उम्मीद पेश करना पसंद करूँगा कि मस्जिद तहरीक चलनी चाहिए, कि जिससे हमारे समाज में हम एक दूसरे के करीब होंगे। और मसाजिद हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, कि तहरीक पाकिस्तान हो या दूसरी तहरीक हो, मसाजिद के तीन मराकज हैं। अगर हमने अपने मराकज को मजबूत कर लिया तो बिलाशुबा हमारा समाज मजबूत होगा, हमारी वैल्यूज और हमारी इकदार मजबूत होगी। जब हमारी इकदार मजबूत होगी तो हमारी रियासत मजबूत होगी, और फिर उम्मत मुसलमान मजबूत होगी। शुक्रिया। नौजवान है, और जो माशाल्लाह काम हम
अलहमदिल्ला इनका दीन की तरफ शुरू किया। इनके सबसे बड़ी मैं जो बात इनमें देखता हूँ कि जो अल्लाह ने इनका खास कर्म किया है वो इनके सारे मामला के साथ अल्लाह ने इनकी फुला तो इनका परमा बता दिया है। हम देखते हैं इनके साथ में अब्दुल भाई को इनके पोतों का प्यार तो उन्हें खुशी होती है कि अल्लाह तआला ने इनको इस दुनिया में भी जो कहते हैं रब्बा आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन उसके मुताबिक मुसलमानों के आगे कोई बयान करने के बाद हदीस है कि जिस शख्स ने मस्जिद से एक बाल उठा के बाहर फेंक दिया गोया उसने एक मुर्दार गधे को उठा के मस्जिद से बाहर रख दिया। इसकी इज्जत और तकलीम और इसकी जो अहमियत है हमारे माशरे में और जो हमारे मुस्लिम में हमारी होनी चाहिए वो किसी से नहीं आनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देख जरूर कहूँगा कि मस्जिद से जिस कदर हमें फ़ायदा लेना चाहिए था उस कदर हम फायदा नहीं ले रहे हैं। मैं बाहर हांगकांग और चाइना की मस्जिदों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ कि वहाँ हर मस्जिद के बाद उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया है जहाँ वो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बैठते हैं उनके चाय के साथ उनकी ज्यादत की जाती है वो पूरे जो अपने कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर इसी तरह यहाँ भी हम मस्जिद को अपने मस्जिद बना दें और उनके हम बैठते पूरे इलाके की जो होती है रहनुमाई और पूरे इलाके की खुराक महबूब के मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करें तो मैं कहता हूँ ये इनका मस्जिदों का बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी मस्जिद हमारे यहाँ पे बड़े ताले और उनका इशारा है
पहला अपना मफाद भी मैं दूसरे खाते हो इसको नुकसान ना बन जाए। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिम का निर्देशान ही भाई अली मुसलमान है वो उसके हाथ और सलाम से किसी को ईजा ना पहुंचे। दूसरा एक मकाम आता है जो अपने लिए भी मुफीद हो दूसरे को लिए भी हिफाजियत का सोचे। मेरे महबूब का इरशाद है ला यहिब्बु ला यूमिनु ला यूमिनु वो शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद न करता हो। ये ऊपर वाला दर्जा है अल्फा दर्जा है। एक दर्जा नसीहत का और है कि खुद भूखा रहे किसी को खिलाए। सुभान अल्लाह खुद भूखा रहे सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फदीली की सलाम उस पर के जिसने असरारे मुहद्दस समझाए सलाम उस पर के जिसने जख्म का दरफूर बरसाए सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के टूटा बोरी या जिसका बिछौना था सलाम उस पर के सच्चाई की खातिर दुख उठाता था सलाम उस पर के खुद टूट कर रहते और खिलाता था सलाम उस पर के जिसने जोड़ी ये बल्कि फकीरों की सलाम उस पर के जिसने दूसरे को दे नसीहत। ये अल्फाज दर्जा है कि खुद भूखा रहे औरों को खिलाए खुद ना पहने औरों को पहनाए। और ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। गारे हिरा में लिखा है गारे हिरा का मुसलमान को सबसे पहला सबक ये है एक आप इस तरफ लेकर नहीं खाना फल कर इंसान अल्लाह बलम उसके बाद सबसे पहले मक्का मुकर्रमा मस्जिद बनाई गई जिसका तज़किरा पीर साहब ने दिया अपने किताब में फरमाया वो सिद्दीक अकबर की मस्जिद थी। उसको मुसल्ला अबू बकर कहते थे उसको जाए नमाज अबू बकर कहते थे और कुफार सारे आकर के कहते थे अबू बकर इस मस्जिद में बैठ कर कुरान पढ़ता है दिल पिघलते हैं नमाज पढ़ता है उसका कयाम पाना अबू बकर का रुतू पाना अबू बकर के सजदे आना अबू बकर के सजदे आना अबू बकर के सजदे आ तो इतराज करते थे बिना के हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस बात पर तंग कर दिया अबू बकर ने हिजरत का इरादा कर लिया। रास्ता में जा रहे थे एक शख्स इब्न तन्ना आया मियां साहब इब्न तन्ना आया उससे कहा अबू बकर कहां जाते हो लोग नहीं रहने देते मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने देते तिलावत नहीं करने देते मैं यहां से कूच करना चाहता हूं। तो उस वक्त इब्न तन्ना ने तो तसल्ली के अल्फाज तेरे जैसा दर्द दिल वाला बता
मस्जिद की बुनियादों को मुस्तवा किया, फिर जब आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए वहां मस्जिद को बनाया दिया। भाइयों के खुदा, मस्जिद का बादशाह है, इसका हैसियत है जो मेरे इस किस्म के दिल की हैसियत रखती है, मदरसे की पोजीशन ऐसी है जैसे दिमाग का दर्जा रखती है। जब तक दिल रखता हो, दिमाग बिल्लाह इसी और मलीन इसी दार परमान बही
इसे हमारे वजूद के अंदर हम लाए, इसकी बुनियादों के अंदर हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का, हमारी माओ का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का किस तरह की शामिल है, उस दर्द का तस्करा है। फिर अपने बुजुर्गों के हवाले से उनकी कावशों का तस्करा है। और फिर क्या पाकिस्तान के बाद जो तहारीफ पाकिस्तान के अंदर गुटमार होती रही उनका सरसरी तस्करा मौजूद है। अलहदीम की शख्सियत फैसलाबाद के हवाले से इस तारीफ की मौका थी। अगरचे तहरीर पाकिस्तान देखने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने तहरीर के निजामी मुस्तफ़ा अपनी आंखों से देखी है और मैंने मियां अब्दुल करीम के हम कदम होकर उस तहरीर का जायजा लिया है, उसमें शरीक रहा हूँ। मुझे वो लम्हात याद है कि जब हुकूमत वक़्त ने यह फैसला कर लिया था कि इस तहरीर को खत्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि इसकी क़यादत को पाबंद सरासी कर दिया जाए, और मियां अब्दुल करीम का जुलूसों की क़यादत करना और टूटा हुआ बाजू पट्टी बांधकर अपने गले में लटका के जलसों से खिताब करना आज भी मेरी आंखों के सामने है। इस तीसरे हिस्से के अंदर उन सारी तहारीफ का तस्करा किया गया है जो क्या मैं पाकिस्तान के बाद हुआ। मजमूरी तौर पर अगर देखा जाए तो मस्जिद की अहमियत और अफादियत के हवाले से इतनी खूबसूरत कागज और इतनी खूबसूरत किताब इससे पहले मुझे देखने का मौका नहीं मिला। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अलहाज मियां अब्दुल करीम की काविशों को सिर्फ एक कबूलियत अता फरमाए और इस किताब के अंदर जिस दुख का, जिस दर्द का और जिस सिर्फ तरीफ का तस्करा किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनसे सब सीखते हुए इन मसाइल को इस्लाम का मरकज, इत्तेहाद का मरकज, दीन की दावत का मरकज बनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ के सकते में खवानीन की बड़ी कसर तादाद शरीक है, तो खवानीन के हवाले से उनकी नुमाइंदगी फरमाते हुए नादाते जारे के आंखों का जना मियाँ तरदीन साहब के मोहार साहब दादे जना मियाँ अब्दुल वही साहब की विशेष मोहतरमा शहीन साहब तस्लीम शहीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल से नवाजे मोहतरमा शहीन साहब। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین الفاظ تو بہت ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر الفاظ میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکیں ये तकदीर आए ये मेरे लिए एजाज है कि मुझे मौका मिला जहाँ बहुत इनके रोजगार ने अपने सहारे हल किया जहाँ मेरी बात में अभी कहूँगी अलकासिदो हबीबुल्ला मुख्तसर अल्फाज है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मैंने इस अजीम शख्सियत को जब से मेरा साथ इनके साथ है मैंने इनको इसका तर्जमान देखा बुढ़ापे में भी जवानी में तो अजीम मिसाल थे लेकिन आज हमारे लिए और अजीम मिसाल है कि इस बुढ़ापे में इन्होंने अपने जवान जज्बों से एक मिशन को चला रहे हैं और अपने कंध पर उठाया हुआ है। यह कोई छोटी सी बात नहीं है किसी किताब लिखी है कुछ चंद अजीम शख्सियात उसके बारे में इजहार बयान करें यह हमारे लिए सदका जारिया और अजीम मिसाल है कि हम हमारा उनके साथ मेरे मुताबिक है। मैं मिसेज मियां अब्दुल करीम एक्स मेंबर तहसील काउंसिल फैसलाबाद सिटी इनको मैंने अपनी नजरों में अमली तौर पर देखा जहाँ इन्होंने लोगों को
मैंने इनको दो कदम आगे देखा। इसी तरह इन्होंने हमें सियासत के मैदान में चलना सिखाया। दीन के बारे में इन्होंने हमें दीन की दावत का एहसास दिलाया, हमें साथ लेकर चले। सियासत में भी इन्होंने हमें अपने साथ चलाया। एक्स मेंबर होने की हैसियत से बहुत कुछ मैंने सीखा। आज भी इनकी इनकी रफाकत हमारे लिए एहसास का बायस है। जहां हमारा सर फखर से बुलंद है, वहां आज मैं इनकी इनकी इज्जत और एहतराम और आला दर्जी के आगे अपना सर कम करती हूँ, ताकि इनका दस्ते शफकत हमेशा हमारे सर पर रहे और इनकी सेहत के लिए दुआ वो हूँ। और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इनकी सेहत के लिए खसूसी दुआ और अल्लाह ताला इनकी मेहनत को अल्लाह ताला तमाम बख्शे और इसके लिए इनको अल्लाह ताला के हुजूर बेहतरीन अजर सवाब अदा करे और आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला इसको सबके जारिया भी बनाए और काबिल तकलीद भी बनाए। जहां मेरे मोहसिन ने एक जिक्र किया कि इनके लिए एक खास एजाज की बात है कि इनकी औलाद भी इनकी फरमा बरदार है, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अजीम शख्सियत के हम उस अजीम शख्सियत के उनकी अब बहुत ही मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा खास लफ्ज हो जो मैं बोल सकूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी औलाद हैं, हम इनके लिए हमारे सर का जारिया बन सकें। मैं इनकी शख्सियत को देखकर सिर्फ मुतासर ही नहीं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद नहीं, अपना घर नहीं, अपना खानदान नहीं, अपना शहर नहीं, अपना मुल्क नहीं, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिद मोहतरम अल्हाज मियां अब्दुल करीम खसूसन समाजी कारकुन समाजी कारकुन नहीं खिदमतगार हैं दीन के भी और समाज के भी। इनको अल्लाह ताला सब बुलंदी अदा करे और कदम कदम पर अल्लाह ताला इनको बनाए होते नाजिल फरमाए और इनके औलाद को इनके लिए बेहतरीन सदका जारिया फरमाए। आमीन। कहने को बहुत कुछ है। बहुत शुक्रिया साहब। ये पहली चीज जो आपने हमारी इबादत के हवाले से हमें तासर बनाई थी, तो अब मैं बात जारिका बनूंगा जमात इस्लामी के असरात के रहनुमा इमाम मोहम्मद अजीम अल्दावा साहब से कि तशरीफ लाए और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में अपना काम मुकम्मल है इमाम मोहम्मद अजीम अल्दावा साहब। उसके अंदर इनकी जद्दोजहद
मैं बदसीर कारकुन इनके साथ होता था और देखता था, और जब से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने इनको दीन के कामों में इस प्रकार बख्शी है और इतनी अल्लाह की इन पर रहमत है कि इनको साले और नेक औलाद अल्लाह ने दी है। ये बदले की तारीफें करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कंप्लीट शख्सियत है कि जिनको अल्लाह भी इतना पसंद करता है कि अल्लाह की रहमत से हर साल इनको अपने घर का तवाफ करवाते हैं। मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी, तो एक बेहतरीन शेर जो है वो भी यहां पढ़ा गया, मस्जिद तो बना दी शाहपर में इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नवाजी बन न सका। ये मुसलमानों का एक कम्युनिटी सेंटर है, मुसलमानों का एक ये मरकज है, मुसलमानों का ये इतिहाद का एक मरकज है कि जहां जब नवाजी पांच वक्त वहां नमाज अदा करता है तो एक दूसरे के बारे में खुशियां और गम जो है वो बांटते हैं, एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस आती है कि उसके हालात कैसे हैं, उसकी औलाद कैसी है, उसकी अपनी सेहत कैसी है। ये सारे हालात जो है वो मुसलमान आपस में शेयर करता है, जिसके नतीजे के अंदर आपस में प्यार और मोहब्बत जो है पैदा होता है। और फिर उसी मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज का इत्तेहाद जो होता है उसके अंदर नवासी इलाके से लोग आते हैं और अपने वहां के मसले मसायल जो है उसको डिस्कस करते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को मदरसे का भी दर्जा दिया, इस मस्जिद को अदालत का भी दर्जा दिया, हत्ता के उलमाए इकराम की आप तकारीफ सुन रहे थे कि किस तरह उन्होंने रक्षा फैसला कि किस किस किस्म के लोग इस मस्जिद के अंदर तशरीफ आए और उसके नतीजे के अंदर उनकी किस तरह जिंदगी बदल। इंसानी हकूक के बारे में मुख्तलिफ रोने पीटे जाते हैं, लेकिन बेहतरीन इंसानी हकूक का जो मरदा है वो मसाल है, और बेहतरीन इंसान का जो सबसे अहम हकूक है हक है उसके बारे में कि उसको दौलत से मुक्त किया जाए, उसको जन्नत की तरफ लाया जाए, ये हर इंसान का बुनियादी हक है, उसके जहन्नम से छुटकारा किया जाए। और मस्जिद इसका बेहतरीन जरिया है कि वहां लोगों की गैदरिंग, लोगों का मेल मिलाप जो है वो आपस में इस दीन को शेयर करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर इंसानी हकूक जो है उनको भी देखा जाता है और इंसानी जो मसायल है उनको भी देखा जाता है। आज बदकिस्मती यही है कि हमने मुख्तलिफ अपनी अपनी मसाइल बनाई हुई है, बड़े बड़े शराबी जो है आपस में बैठ के इकट्ठे शराब पीते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। बड़े बड़े खराब लोग आपस में अपनी फैसले मुरकब करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन हमें ये सोचना है कि क्यों जब हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं, जब अल्लाह के हुजूर हम इकट्ठे होते हैं, तो क्यों हमारे खिलाफात पैदा हो जाते हैं। इस महफल में किताब के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करनी थी। एक तो मैंने तकरीबन पहले सत्र से लेकर आखिर तक तीन बार काम कर दिया, लेकिन
वक्त कम है और बहुत बड़ा स्टेज पे असासा बैठा है, लेकिन मैं इस मौके पे अपनी बात महक सादा अल्फाज में आप तक पहुंचा के रखता हूँ कि जब मैं यहाँ आया हूँ मुकर्रमीन खिताब कर बैठे मियां साहब की कफियत देख के वल्लाह मेरे दिल में भी बहुत ना एक अजीब किस्म की कफियत आई हुई है और यही इस मकबूलियत का स्वाद है इस लेवल का जिससे भी इंफरादी तौर पर इज्तमाही तौर पर उम्मत की खैरखाई के लिए मिल्लत इस्लामिया के भलाई और खैर और सरफराजी के लिए कोशिश की। वही शख्स जो है अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है और वही शख्स जो है इस दुनिया में भी जो तरबा रसूल अल्लाह की उम्र के कोई इज्जत वाला है कोई शख्स वाला है उसके लिए अल्लाह इस दुनिया में भी खैर और बरकत के दरवाजे खोल देता है और आखिरत के दरवाजे खोल देता है। तो मैं जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं तर्जमान इस्लाम सदर नजरिया पाकिस्तान फोर मियां अब्दुल करीम साहब दामन बरकात मलालिया को। इन्होंने अपनी इस किताब में उम्मत का माजी हाल और मुस्तकबिल उसे समझा है। इस किताब के पढ़ने से जहां तक मुझे पता चला कि उम्मत का रूज इज्जत सरफराजी का ताज अवाम आलम की इमानत इसको मुयस्सर थे। जब तक ये मरकज से जुड़ा रहा जब तक उम्मा अपने मरकज से इस रिश्ता को जोर न पड़े उस वक्त तक ये इज्जत सरफराजी के दरवाजे खुदा ने हम पे खोल के रखे। जब मरकज से मियां साहब ने इसमें यही होता यही जगह देती है जब मस्जिद से रिश्ता कमजोर होता जिंदगी रसवाई हमारा बहुत बहुत आज जरूरत है कि फिर ऐसे लोग उंगलियों पर गिरे जा सकते हैं जो उम्मत के लिए तड़पते हैं जज्बा रखते हैं और फिर उनका इकराम देख लें कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह है अपनी किताब उस्ताद मुहद्दिसीन में लिखते हैं जिन्होंने उम्मत के लिए जो तड़पते हैं जिन्होंने खैर खाई की उम्मत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उम्मत तक पहुंचाई कहते इमाम बुखारी मोहम्मद बिन अस्मईद इंतकाल फरमा गए तो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने तारीफ करते हैं कि लोगों ने ख्वाब में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौक में खड़े हैं और कई बहुत उदास मखमूम है दरियाफ्त करने पर फरमाया दीन का खादिम मोहम्मद बिन इस्माइल बादशाह कर दिया है और मैं मोहम्मद उसे दे दे जो लोग दीन की खिदमत करते हैं उनका फिर ये इतिहास है कब्र उनके लिए जन्नत के बाद से बात कर गया कहां गए लोग मियां अब्दुल करीम साहब का वजूद हमारे लिए वैसे गनीमत है अल्लाह इस उम्मत में ऐसे लोग हर दौर में पैदा होते हैं होते रहेंगे और साथ ने लिखा कि लोगों ने देखा कि काजी गियास दरबार मुस्तफा में हाजिर हो रहे हैं ख्वाब ने देखा शाह अब्दुल अजीज साहब लिखे काजी साहब ने काजी गियास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लम ने आगे बढ़ के उनको अपने साथ बैठाया बाद
रियासत किया गया, ये इज्जत कैसे गई? खातम अल-अंबिया आ गए, जिसको आगे खातम अल-अंबिया, खातम अल-मुरसलीन, सैयद अल-मुरसलीन ने अपने साथ बताया, मजा क्या है? तो पता ये चला, इन्होंने सीरत मुस्तफा करीम की जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाया, इसलिए हुजूर की जिंदगी खराब हो। तो मेरे भाइयों, मियां साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह इनको उनकी कब्र देख के मैंने कब्र पे खड़े होकर कहा कि आपकी जिंदगी में आपने बहुत हुजूर देखा, लेकिन मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके बेटे ने, आपके फरजंद ने आपके मिशन को अधूरा भी छोड़ा, आगे बढ़ाया और बड़ा चल रही है। मैं आपकी ये तकरीर देख मियां अब्दुल करीम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी औलाद नेक है, ये आपका किरदार, आपका अमल इंशाअल्लाह आपका मिशन आगे बढ़ाएंगे। और किताब में आपने जो हदीस नकल की है वो हदीस पढ़ के मैं इख्तिताम करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चली और कदर साथी हैं, जिनसे 5,000 से ज़्यादा और इतने आशिक सालिक हैं, इतना मस्जिद को उड़ना मछोड़ना बनाया कि आपकी माता मुसलमान नहीं हुई थी, इस्लाम के खिलाफ बातें कर दी, एक थर थर दिखा दिया और दरबारे सभा में पेश किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त फरमाइए मैं अपनी माँ को फारिग कर दूँ। तुमने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मा तेरी अम्मा से। करीम ने फरमाया तो रो पड़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में फिर मेरी अम्मा के लिए दुआ फरमा। और हम अबू हुरैरा को फरमाया करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, कहा अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को बताया था। फरमाते इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, फरमाया करते थे मैं इधर से दौड़ पड़ा, अंदाजा ये लगाना चाहता था कि दुआए मुस्तफा घर में पहले पहुंच दी है या अबू हुरैरा। फरमाया करते थे अल्लाह खुदा की कसम मैं बाद में घर में पहुंचा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहले पहुंच, और मेरी अम्मा कहती है बेटा ठहरो मैं अपने सर पे चंदन ले लूं मुझे दामने मुस्तफा दामने इस्लाम में दाखिल करने के लिए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस किताब में हदीस नकल की है, आपने बाजार में कुछ बाजार में जाके ऐलान फरमाया लोगों आप अपने कामों में लगे हुए हो और विरसा विरासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तकसीम हो रही है, मिलते हैं मुसन्नफ मुअल्लफ और नकीब इस्लाम मियां अब्दुल करीम साहब ने कुतुब हदीस से हवाला देकर लिखा, हजरत अबू हुरैरा ने जब ये आवाज सी तो सब लोग दौड़ के मस्जिद में गए, वहां देखा वापस लौट आए, पूछा वापस क्यों आए, कहने लगे वहां कुछ नहीं देखा, दाजी वहां दर्स हो रहा है, तदरीस हो रही है, पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा है। आपने फरमाया मेरे करीम आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हिस्सा है। तो मैं इस मौके पे आखिर में आज जरूरत इस समय की है इस किताब को घरों में पहुंचाया जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाए ताकि उन्हें अपने माजी का पता चले, हाल बेहतर करने का पता चले, मुस्तकबिल की फिक्र करे, और यही चीज हमारे लिए मियां साहब ने रखी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस इनकी उम्र में भी बरकत फरमाए, इनके खानदान को इज्जत और तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ जो ये हिस्सा है ये उलमाए इकराम ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन जो हैं और आगे भी बैठे हैं मेरे भाई अलामा अज़ीज़ अस्नवान साहब और दीगर उलमाए इकराम जितने भी हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सबों पे डाले, सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाह वाह जितने इतना हजरत मौलाना मोहम्मद यासर साहब अब मैं ताबते जारी कर दूंगा किताब के मसले और इस तकरीब के मेज़बान नज़रिया पाकिस्तान फोरम के साहब आपके सदर और तवील अरसा से इस्लाम की खिदमत करने वाले इल्म के हवाले से दीन के हवाले से समाज के हवाले से जनाब अलहाज मियां अब्दुल करीम साहब से बिल्कुल तशरीफ लाए और जारी फरमाए जनाब मियां अब्दुल
क्योंकि मैं अल्लाह से परा मांगता हूँ, मैं कोई काम गरीब हूँ, मुझे अपनी हकीकत खुदा गवाह है महसूस होती है। बंदा करीम, तू तो अब्दुल करीम है और तेरी हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम का कर्म है। और मेरे शबीर और बहुत सब वाले चर्चा कर सहबा उनकी दुआएं बचते हैं। अल्लाह ने कभी कदर मैंने एक बात कमी है वो ये है, मस्जिद सुबह में जब मैं पहली दफा हाजिर हुआ था और इस दफा आखिरी वक्त पर जब आज आया हूं तो मैंने कहा हादीस भी पढ़ी जो लिखी हुई है और इस बात को भी समझा नापा तोला परखा और जांचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मस्जिद कुबा में आकर दो नफर अदा किए उसने उमरे का सवाब किया। मेरे भाइयों आप अंदाजा करें कि उमरे का जो सवाब कितना है, दवा करेंगे सही करेंगे मकाम मुकद्दस पर हाजिर होंगे और दवा करेंगे फिर भी पता नहीं कोई कमी रह नहीं जाए रह जाए। लेकिन यहां पर मेरे आका वाला जिनके बदल करना ने फरमाया मेरे नबी आपका जिक्र हमने तमाम नबियों से तमाम इंसानों से फरिश्तों से तमाम ये सब पाकिस्तान के
मुझे पेश कर दिया। मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी मुझ पर रामोचरण की बारिश है। जनाब पाकिस्तान में मतलब क्या हवाई अड्डा को जाकर कर रहे हैं। मैं
इनका दस्तरखान भी बड़ा वसी है, इनका दिल भी बड़ा वसी है, इनकी नजर भी बड़ी वसी है, इन्होंने इस्लाम के हवाले से भी बहुत काम किया है और अभी कर रहे हैं। मेरी दुआ है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे कायम रखे और इनकी शफ़क़त और इनकी जो मोहब्बत हम दोस्तों को 20 साल से हासिल है, अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह हिम्मत के साथ, सेहत के साथ हमारे सर पस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप तशरीफ लाते हैं फैसलाबाद के बुजुर्ग आमदीन जुनेद अहदीस पाकिस्तान के सीनियर अफसर जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब, मैं उनसे हमारे सर को तशरीफ लाए जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब। खसूस इस महफिल के रूहान मेजबान और जिस मकसद के लिए ये महफिल सजाई गई है उनकी तस्वीर और तारीफ मस्जिद की अहमियत और जोरियत मेरी मुलाजमिया की हिसाब से है। सामने हजरात नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, क्या बना, तालाब बना। मियां साहब से मेरा ताल्लुक इंतहाई दरीना है, यह निसर शरीफ की बात है, 2-4 वर्ष की बात है, 50 साल बल्कि इससे भी ज्यादा ताल्लुक होगा। मेरे बचपन के साथी कभी वो दौर था कि नौजवानों की तंजीम शुभान अलीस के मैं सदर होता था और ये जनरल सेक्रेटरी होते थे और फिर आपने मसले के साथ साथ बाकी मसाले और भलाई रफाई तमाम कामों में अल्लाह ताला के फजल करम से हम शरीक होते थे और अब तक हो रहे हैं। फिर वो वक्त आया कि बात रामी वालों ने अनुवाद कर दिया किताबें और भी लिखी हैं लेकिन ये अजीब किताब है, मस्जिद है,
इससे न सिर्फ शहर में बल्कि बाकी पाकिस्तान भर में आवाम में इंसान में इंशाल्लाह अज़ीम से पदीरा ही आदर होगी। सर्वे कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 18 ग्रामी के मुताबिक मस्जिद के साथ इसको लगाव और ताल्लुक हो जाता है। सर्वे कायनात ने इरशाद फरमाया कि उसके ईमान की शहादत दी जिसको मस्जिद के साथ लगा। और सही बुखारी की रिवायत है कि हुदिया जो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद मुबारक में सफाई किया करते थे, झाड़ू किया करते थे, उस दिन गुजर गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे ना देखा। सहाबा किराम से पूछा हुज़ूर को किया कहाँ है जो मस्जिद की सफाई किया करती है। हर किया कि हज़रत को बीमार हुई फौत हो गई, हमने जनाजा पड़ा और उसको दफना दिया। हमने आपसे अर्जना किया कि एक मामूली हो एक बुरी अभी एक औरत थी, आपने बढ़ा कि आप उसको मामूली समझे। फरमाया कि वो अजीब शान थी, मस्जिद की जो सफाई और सफाई करता है वो तो हम याद का काम करता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल बाप बेटे दोनों को ये फरमाया था, तहरा जो दुनिया के अतराफ और अतराफ से लोग आएंगे उनके आने से पहले इसकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। मस्जिद के बनाने में, मस्जिद की तमीर और तरक्की में जो हिस्सा लेने वाला है अल्लाह ताला का मुकर्रर है। नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल है सबसे बुरी जगह बाजार है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। और मस्जिद इसलिए है वहां इमारत में निगरान अदा किया है, सजदा गाह है। और फिर नमाज की अहमियत भी इसके साथ वाबस्ता होती है। तमाम जितने अहकाम नाज़िल हुए हैं, जितने फ़राइज़ नाज़िल हुए हैं, उनके हुक्म अहकाम, वो रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जिहाद हो, सदक़ात हो, खैरात हो, ताकी अवामर और नवाही हो, तमाम नबी अलैहिस्सलाम लेकर के ज़मीन पर हुज़ूर की खिदमत में आए। लेकर नमाज पढ़ना एक ऐसा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने मियाद की याद करके माता पर रोज़ा कर हुज़ूर को ये तोहफ़ा निकाल दिया। मुख्तलिफ मसाले के
मुख्तलिफ जमातों के लोग एक जमा पर जगह पर जमा होकर बैठे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला शऊर के अंदर ये शऊर के दाद फरमा ले और हम मुत्तफिक होकर इस्लाम के नाम पर काम करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें अब्दुल करीम साहब सदर मुजरिया पाकिस्तान को फैसलाबाद को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनके मोहम्मद में तशरीफ लाते हैं मुल्क के नई दुनिया इस्लाम के अजीम इस्लामी और गुलामी रहनुमा इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िया उल्हसनी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन ज़ाहिद इब्न ज़ाहिद साहबज़ादा इब्न साहबज़ादा जनाब हज़रत इलामा हाफिज साहबज़ादा ज़ाहिद अहमद कासिम साहब कि मसाजिद आज बदकिस्मती है कि नफरत को अपना पैगाम दिया जाता है।
मैं इनकी तवज्जो इनकी क़यादत की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अभी हालिया चार दिनों में बलूचिस्तान को हमसे अलग करने का मंसूबा जो अमरीका ने बनाया था, तो उस बलूचिस्तान को बचाने के लिए इनके कायद मुनव्वर हसन साहब पहुँचे, हमारे कायद मौलाना समी उल हक साहब पहुँचे, मौलाना लुधियानवी साहब पहुँचे, तमाम मकाम में फिक्र के उलमा पहुँचे। क्यों पहुँचे? इसलिए कि ये मुल्क बनाया था और इसी मुल्क को बचाएंगे भी उलमा इकराम। दहशत गर्दी थी, फतवा किताब का बड़ा गर्म था, तो वहां पर जाकर अगर अमन का दर्ज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के परचम को बुलंद किया, पाकिस्तान की वका और सलामती की बात की, तो यही मस्जिद से पढ़े हुए मुल्लाओं ने की थी, मस्जिद से पढ़े हुए उलमा ने की थी। आज कहा है वो सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर टारगेट मिले, कोयटा के अंदर, कराची के अंदर, गिलगित के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर, तो उस आग को अगर कोई बुझाने के लिए निकलता है तो इस मस्जिद से पड़ा हुआ मुल्ला निकलता है। इस मस्जिद की अहमियत थी, होगी, क्या मतलब रहेगी, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस जमीन पर जो मेरा उम्मती जहां नमाज पढ़ेगा वही मस्जिद की जमीन होगी, और पूरी दुनिया की मसाजद और पूरी दुनिया की वो टुकड़े कल क़यामत के दिन महफूज रहेंगे जहां पर सजदे अल्लाह की ज़ात को किए जाएंगे। और मैं इन्हीं अल्फाज के नक्शे में बैतुल्लाह की तामीर की तरफ भी आप हज़रात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वही अल्फाउ इब्राहिम कि या अल्लाह इस बैतुल्लाह को हमने बना दिया, इस्माइल ने बना दिया, इब्राहिम ने बना दिया, या अल्लाह इसको बचाने के लिए, इसको आहार करने के लिए, इसको चार चांद लगाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम खवातीन की तालीम के खिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद के साथ बच्चियों के लिए बापरदा कासमी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस का ओवर कायम कर दिया है, जिसके अंदर FA, FSC, BA, BSc उसकी तालीम आपकी बच्चियों को बापरदा फराहम की जा रही है। तो मैं आज इस किताब की खूबसूरत तशरीफ पर अपने बुजुर्ग और अपने वालिद मोहतरम के महान साथी जनाब मीर अब्दुल करीम साहब को और इनके तमाम रफाका को, इनके बेटे और बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अजीम किताब है और इस किताब से आप इस्तिफादा हासिल करें। मस्जिद की अहमियत, बैतुल्लाह सबसे बड़ी मस्जिद है कि जिसके अंदर एक नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलेगा। मस्जिद नबी जो मेरे पाक पैगंबर की मस्जिद है, उसमें एक नमाज पढ़ेंगे 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कीजिए, ये मसाजिद अल्लाह का घर है, मस्जिदों से हमेशा अमन का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा मोहब्बत का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा सदाकत का पैगाम मिलता है, मस्जिदों से हमेशा प्यार का पैगाम, प्यार का दर्ज किया जाता है, यगानगत का दर्ज किया जाता है, वहदत का दर्ज किया जाता है। कोई मौलवी, कोई मस्जिद निफाक की बात नहीं करते, दहशतगर्दी की बात नहीं करते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जाए ब्लैक वाटर के नुमाइंदे जो रेमंड डेविस गिरफ्तार हुए थे, उनकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन उसको पढ़ लीजिए, उसके अंदर ये बातें साबित हो चुकी है कि हजरत अली अल-बेग के मजार पर धमाका ब्लैक वाटर ने करवाया था। अब आप पतन शरीफ उसके मजार पर धमाका ब्लैक वाटर ने करवाया था, और अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह कराची में उसके मजार पर धमाका उन्होंने करवाया था। तो पाकिस्तान के अंदर मिलियन चेती काउंसिल के अंदर भी
तमाम उलमा मुत्तहिद और मुत्तफिक थे और आज भी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के प्लेटफार्म पर मुनव्वर हसन हाफिज सईद मौलाना जानवी मौलाना सलीम लाख और तमाम मकाम पे फिक्र मुत्तहिद और मुत्तफिक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। चूंकि इस किताब के अंदर ये बात भी आई नजरिया पाकिस्तान तहफ्फुज़ है पाकिस्तान तो हमारे ताजर हाजी आबद साहब तशरीफ फरमा है, हमारे बुजुर्ग ताजर अहमदा हाजी बशीर साहब तशरीफ फरमा है। मैं माजरत के साथ हाजी अब्दुल करीम साहब की इजाजत से एक जुमला अपनी तकरीर के आखिरी जुमलों में मजीद कहना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के ताजर इंडिया के अंदर जो तजारती सिलसिला शुरू हो चुका है ये पाकिस्तान के नजरिया के खिलाफ है। आज पाकिस्तान के अंदर इंडिया का प्याज, इंडिया का आलू, इंडिया की सब्जी, इंडिया का चावल, इंडिया का कपड़ा वो यहाँ फरोख होगा तो पाकिस्तान के ताजर क्या करेंगे। हमारे ताजरों को वहां बुलाकर खूबसूरत दावते इंडिया को कर रहा है और हमारी हुकूमत तजारती वादे कर रही है मगर ये सब कुछ नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि ये स्टेट मियां अब्दुल करीम साहब की सारी जिंदगी इस पे गुजरी है और हमीद नदामी मरहूम का जो ट्रस्ट है उसमें भी अल्लाह तशरीफ फरमा है तो इनकी फसादत से इनकी दुआओं से आज की इस तकरीब में मैं ये कहना चाहता हूँ जो फैसलाबाद के ताजर इंडिया की तजारत के हक में बयानबाजी कर रहे हैं वो खुदा फैसलाबाद की वजूद अवाम पर फैसलाबाद की तजारत पर मुल्क पर रहम करते हुए अपने बयान को वापस लें। आखिर में मैं फिर मियां अब्दुल करीम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह मजीद आज की इस तकरीब जो मस्जिद के नाम पर बनी और इसमें जो शामिल हुए हैं जिस तरह हम यहाँ इकट्ठे इस वक्त इस हॉल के नीचे जमा है मेरी दुआ है क़यामत के दिन अल्लाह हमें जन्नत के अंदर भी इकट्ठे जमा करवाए।
अल्लाह ताला से मालूम हूँ कि वो हमें पढ़कर इस पर अमल करने को और मैंने ये किताब मुझे दो चार दिन पहले मिली थी। ईमानदारी की बात है, जब वो मैं पहले सफ़े से लखनऊ की और इस बात पर मैं बात प्राप्त करता हूँ कि पूरी दुनिया की मसाजिद इतनी मेहनत करके मियां बेहतरीन शाह ने यानी खाना खुदा खाना कावा से लेकर उस पर शाह की उस जामिया मस्जिद तक उन्होंने इतनी मसाजिद की तस्वीर उसमें दर्ज की है, दिखाई है। जब वो एक एक पर पलट कर सफा देख रहा था, ईमानदारी की बात है कि मेरा ईमान जो है ताज़ा रहा था। और मैं जब वो खासतौर पर बाकी मसाजिद को शायद मैंने ना देखी हूँ, लेकिन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की मसाजिद जो है जब उनको मैं देख रहा था तो मैं ऐसा लगता रहा कि दोबारा शायद मैं किसी हज के ऊपर वहाँ पर फिर रहा हूँ और मुझे वो शहादत नसीब हो रही है। यहाँ पर मस्जिद के हवाले से बातें हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए मस्जिद जो है इतनी बड़ी ऑनर है कि जिसमें हम दिन के अंदर पांच मरतबा जाते हैं, एक मोहल्ले के जितने दोस्त हैं जितने साथी हैं, जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा वहाँ का एक जमात की शक्ल है। जब वहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है, इसमें तो अपने मोहल्ले की मस्जिद की बात करता हूँ, वहाँ पर अक्सर वो अपने अपने मसाइल को वहाँ पर बता भी देते हैं, उनको हल करने की। इस शाम से हटके मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के जो मसाइल हैं, मस्जिद एक ऐसी जगह है जिसको हल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म दिया है कि आपने पांच मरतबा वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ी। और जब हम किसी जामे मस्जिद में जुमा के लिए हाजिर होते हैं मस्जिद के लिए, तो आठ दिन के बाद वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर इतने लोग इतने साथी दूर दराज से वहाँ पर आकर बैठते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हमें एक मौका फराहम कर दिया है कि आप इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में जुमे के दिन आप जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप उसको भी डिस्कस करते हैं। आज अपनी हाजिरी करवाने के लिए कि शायद इसी के सकते अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करा दे, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मेरी हाजिरी जो है वो अल्लाह तबारक तआला दूर फरमा दे। आखिर में फिर मियां बेहतरीन शाह को और इतने दिन के साथी जिनको मैं आज से नहीं बल्कि इनकी अपनी तो एक साफ का खेल है जो जिसको हम हमेशा कर सकते हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को या कोई और इस्लाम के बारे में तहरीक को, तो मैंने लिखा है कि अल्लाह के फजल करने से ये हमेशा सही फहरिस्त रह जाए। और मौलाना मोहम्मद ज़िया कासमी साहब इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसका जो किरदार है, उनके आमाल जो हैं वो अल्लाह ताला के फजल करने से पूरी जिंदगी जो है वो आगे चलते रहते हैं। उनको जिनको हम सदका जारिया कहते हैं, ये किताब लिखी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका एक असासा है जो सदका जारिया होगा, जो पढ़ेगा ऐसे कपड़े को जरूर दुआ देगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये किताब लिखी है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये तौफीक दे कि हम ऐसी किताबें जिनका महबर मंबा कुरान पाक है उसी से सारी बातें निकल से जानती है। मैं समझता हूँ हमें कुरान की तालीम जो है उस पर भी निर्णय करने की तौफीक दे।
مسجد کے کتاب شاعر و سمجھتے ہیں بار بار دیتی ہے ان کا بھی انتہائی شکریہ اب آخر میں صدر تقریب بزرگ رحمان جناب شیخ محمد بشیر صاحب سے مخلص ہوں کہ اس بات کی کردار کے لیے تشریف جناب شیخ محمد بشیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتنے بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں اپنی کمائی کو ہاں ہم مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں میاں صاحب مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوں میاں صاحب نے مسجد کے متعلق جو کتاب لکھی ہے اس پر اتنی محنت کی گئی ہے کہ وہ ایک تاریخ ہماری ملک کے لیے بن گئی ہے تو میں ان کے لیے تو لمبی چوڑی بات تو نہیں کرنا چاہتا ایک دعا ان کے لیے میرے دل میں آ رہی ہے کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے لیے مسجد کے موضوع پر تو میری دعا یہ ہے کہ قدم قدم پہ روح دیکھیں قدم قدم پہ کمال دیکھیں قدم قدم پہ روح دیکھیں قدم قدم پہ کمال دیکھیں خدا کرے تو زندگی پر کبھی نہ کوئی دعا دے حضرات گرامی قدر ابھی خطیب پاکستان ظاہر محمود قاسمی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی لاطینی طاقت نے سر اٹھایا ہے تو یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے ان کو جا کر روکا ہے جیسا کہ یہ بلوچستان کا ذکر کر رہے تھے تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ افغانستان کے طالبان جو رہتے بھی تھے ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے انہوں نے دنیا کی بہت بڑی طاقت کو سرنگو کر دیا اور آج دنیا کا سب سے بڑا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے حکمران جو کہتا ہے کہ میں دنیا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں لیکن ان طالبان نے ان علماء کرام نے اس کا بھی منہ پھیر دیا ہے اور وہ مجبور ہو کر اب وہاں سے نکلنے جا رہا ہے تو یہ میں علماء کرام ہر دور میں اس ملک کے لیے تو بھی انہوں نے نظام مصطفیٰ کا ذکر کیا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں جس وقت مولانا عبدالکریم صاحب کا بازو توڑا گیا تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا میری موجودگی میں ان پر غبار کیا گیا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مولانا جاؤ قاسمی صاحب جب اپنے آپ کو پکڑ میں پھینک کر لائے تھے تو ان کو بھی میرے سامنے ہی وہ جتنی میں شدت تھا وہ پولیس نے کیا تو بہرحال میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مولانا جاؤ زائد قاسمی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا کے ساتھ تجارت تو جناب والا مجھے بھی کہا گیا تھا کہ میں اس وقت کے ساتھ شامل ہوں لیکن میں نے انکار کر دیا میں اس وقت کے ساتھ نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں بقول مجید نظامی کے کہ ہم اس وقت انڈیا جائیں گے جب ہمیں ٹینکر بیٹھنے کا موقع ملے بیٹھ کر آنے کا موقع ملے کیونکہ ہندوستان اور امریکہ اس وقت ہمارے ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ ہماری سلامتی کو ہمارے ملک کی بقا کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں وہ دنیا کے نقشے پر کہہ رہے ہیں کہ 1920 کے بعد پاکستان نام کا کوئی ملک اس دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا لیکن میں کل بھی میں نے وہاں ایک بات کہی تھی بقول مولانا ظفر علی خان کے
कि तुम अपने जबर पे नाराज हो वक्त से पहले, तुम अपने जबर पे नाराज हो वक्त से पहले हमारे सब्र की उस्ताद नाराज हो जो बजा लिया तेरे तोपों ने और तफंगों ने मदद जब है किसी मजदूर की को आज कर दो। और जनाब आज मैं इस हाउस के लिए से और हल्कोला राज काशी साहब और दूसरे लोग हमारे ग्राम बैठे हैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वर्ग के कादर अल्लाह के फजल करम से मुहब्बत वतन है और वो अपने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी जानी माली हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और वो किसी ने कहा ना कि फलाना खासा फलाना खासा अगर मेरे मुल्क पर कोई बुरा वक्त आया तो मेरे हमला ही इस तरह करेंगे जाने निसार, मेरे हमला ही इस तरह करेंगे जाने निसार कि जर्रे जर्रे को मफरत की दुआ देनी पड़े। और इतना कर दूंगा मैं माँ की मोहब्बत को बुला दूंगा टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। صلى الله عليه وسلم